नमस्कार, खबर हर पल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ रानू शर्मा और पेश है अब तक की कुछ खास खबरें। कैलाशवासी माधवराज सिंधिया की प्रतिमा का हुआ अनावरण, जन सुनवाई बनी मजाक। मुरैना पीडब्ल्यूडी कार्यालय में अधिकारी ही नहीं रहे थे मौजूद। हिंदू लड़की के अपहरण को लेकर बजरंग दल ने इंद्रगढ़ थाना के बाहर किया प्रदर्शन। और शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार के लिए मुरैना में हुई एक दिवसीय कार्यशाला। और अब समाचार विस्तार से। पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाशवासी माधवराव सिंधिया की प्रतिमा अनावरण समारोह में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों के प्रतिनिधियों ने राजनीति से ऊपर उठकर भाग लिया। प्रतिमा अनावरण समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया विशेष रूप से मौजूद रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाशवासी माधवराव सिंधिया की प्रतिमा के अनावरण समारोह के प्रारंभ में अतिथियों का स्वागत समीक्षा गुप्ता ने पुष्प गुच्छ भेंट कर किया। इसके पश्चात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं राजमाता माधवी राजे सिंधिया ने रिमोट से प्रतिमा का अनावरण किया तथा उपस्थित सभी अतिथियों द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाशवासी माधवराव सिंधिया के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की गई। प्रतिमा अनावरण समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ग्वालियर की माटी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, राजमाता विजयराजे सिंधिया एवं कैलाशवासी माधवराव सिंधिया जैसे सपूत हमें दिए हैं, जो हमेशा हमें जनसेवा की प्रेरणा देते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संबोधित करते हुए कहा कि मेरे पूज्य पिताजी के लिए ग्वालियर एक संसदीय क्षेत्र, संभागीय मुख्यालय नहीं, बल्कि उनका घर, माटी, गृहस्थी, स्वर्ग व देवता था। प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष माननीय प्रभात झा जी चल रहे यूरोप में और वेस्टर्न कल्चर में माना जाता है कि 2000 मिलेनियम ईयर था, मिलेनियम वर्ष था। पर मैं मानती हूं कि मिलेनियम वर्ष 2001 था, जिसमें हर्ष की बात नहीं रही पर देश के दो स्तंभ बहुत जल्दी 6 महीने के अंतर अंतर में ही अनावरण उनके घर में हो रहा है। ग्वालियर उनके लिए एक संसदीय क्षेत्र नहीं था, ग्वालियर उनके लिए मध्य प्रदेश और ग्वालियर चंबल संभाग का मुख्यालय नहीं था, ग्वालियर उनके लिए उनका घर था, उनकी गृहस्थी थी, उनकी माटी थी, उनका भगवान था, उनका स्वर्ग था, उनकी देवता थी। उसके पहले से उनका स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होता था। वो मेरी शादी में भी आई, जब मेरे बेटे का जन्म हुआ तब भी वो आई। वो स्नेह महिमा थी, वो ममता महिमा थी, वो आज भी हमारी प्रेरणा है। लेकिन स्वर्गीय माधव महाराज भी, क्योंकि लोकसभा में उनके साथ रहने का अवसर भी मुझे मिला, बड़े भाई का स्नेह देते, वो कुशल संसद थे, वे सफल प्रशासक थे, वे लोकप्रिय जन नेता थे। और जो भी दायित्व उनको सौंपा गया, वो रेल राज्य मंत्री रहे, रेल के आधुनिकीकरण के लिए उन्होंने प्रयास किए,
रेल राज्य मंत्री। मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरंभ की गई जनसुनवाई का मजाक उसके ही अधिकारी उड़ा रहे हैं। मुरैना में पीडब्ल्यूडी कार्यालय में आज जनसुनवाई में आवेदक तो पहुंचे, लेकिन उनकी सुनवाई के लिए संबंधित अधिकारी आरके गुप्ता दोपहर 2 बजे तक उपलब्ध नहीं थे। मुरैना पीडब्ल्यूडी में मंगलवार के दिन जनसुनवाई नहीं हुई, जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की मनसानुसार प्रत्येक कार्यालय पर प्रत्येक मंगलवार को 11 से 1 बजे तक जनसुनवाई होना चाहिए। परंतु जब खबर हरपल की टीम पीडब्ल्यूडी कार्यालय पहुंची तो वहां जनसुनवाई नहीं हो रही थी और कार्यालय के आरके गुप्ता भी कार्यालय पर मौजूद नहीं थे। जब उनसे कुछ समय बाद बात करनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से मना कर दिया और कहा कि मैं अपना कोई भी वर्जन नहीं दे सकता, आपको अगर वर्जन लेना है तो आप मेरे वरिष्ठ अधिकारी से बात कर लें। इससे यह लगता है कि पीडब्ल्यूडी नियमों को ताक पर रख कर कार्य कर रही है। आज अभी 12 बज रहा है, मंगलवार है, अभी ये साहब बैठे हैं क्या? बैठे तो नहीं। क्या नाम है ये साहब का? आरके गुप्ता। आरके गुप्ता, तो आज सुबह से नहीं आए वो? अभी 11-12 बजे से आते हैं, हो सकता है किसी सुनवाई नहीं कर रहे मंगलवार को। नहीं, बाबू बैठा है। रोजाना वो आते हैं 11-12 बजे के लगभग। ये साहब अभी कार्यालय में मौजूद हैं क्या? अभी आ रहे होंगे, मीठे या साइड पे चले गए। मतलब अभी कार्यालय में मौजूद नहीं है? नहीं, अभी तो नहीं है। आज मंगलवार है, जनसुनवाई का दिन है, आज आपके कार्यालय में जनसुनवाई किसके द्वारा हो रही है? ये साहब ही करते हैं ना, लेकिन वो आज मंगलवार के दिन मुख्यमंत्री का जो आदेश है उसके बावजूद भी वो यहाँ मौजूद नहीं है, तो सुबह से वो नहीं आए अभी तक। नहीं, अभी तो नहीं है, हो सकता है साइड पर भी जा सकते हैं। वैसे मंगलवार को ये साहब ही जनसुनवाई लेते हैं? संबंधित बाबू कौन है? हम इस समय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग कार्यालय में खड़े हुए हैं। आज मंगलवार है, जैसा कि आपको जानकारी है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश अनुसार हर मंगलवार को प्रत्येक विभाग में, प्रत्येक कार्यालय में जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है। लेकिन जब खबर हलपल की टीम कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग कार्यालय पहुंची तो यहां जन सुनवाई नहीं ली जा रही थी और यहां संबंधित अधिकारी भी मौजूद नहीं थे। जब इस संबंध में मोबाइल से लोक निर्माण विभाग के ई साहब से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि मैं 2:30 बजे कार्यालय आऊँगा। 2:30 बजे पुनः आने के बाद जब खबर हलपल की टीम ने उनसे बात करना चाही तो उन्होंने कहा कि मैं आपके कैमरे में किसी भी प्रकार का बयान देने में असमर्थ हूँ, आप मेरे संबंधित अधिकारियों से बात करें, और उन्होंने कैमरे के सामने आने से मना कर दिया। हम यह पूरा समाचार आपको खबर चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। इस बाइट के लिए मैं रिपोर्टर आरडी शर्मा, कैमरामैन आरके दंडोतिया के साथ। मालनपुर से प्याज भरकर इंदौर जा रहा ट्रक कोलार घाटी पनियार थाना क्षेत्र में 10 चक्का से भिड़ गया। इस टक्कर में दोनों ही वाहनों के चालकों को चोटें आईं, जिसमें एक ट्रक चालक की मौत हो गई। ये ट्राला ड्राइवर है, ये ट्राला का ड्राइवर है। ये भी होता तो ये भी छुप गया था, क्योंकि वो कोलार घाटी पर और सुबह 6:30 बजे की बात है, जो ट्राला था वो ग्वालियर से इंदौर की ओर जा रहा था और इंदौर साइड से आने वाला ट्रक जो ग्वालियर की ओर आ रहा था वो एकदम अचानक किसी कारणों से पलटा और पलटने के बाद बीच का हिस्सा ट्राला से जा टकराया, जिससे कि घटना स्थल पर ट्राला के ड्राइवर की मृत्यु हुई। मृतक कौन है? मृतक छेल बिहारी यादव, कहाँ का रहने वाला? ये यूपी का रहने वाला। कौन सा थाना अंतर्गत घटना है? ये पनियार थाने की घटना है। और जिस वाहन से दुर्घटना हुई है उसका ड्राइवर पकड़ा गया है लापरवाही से? नहीं, वो ड्राइवर भी वहाँ घायल स्थिति में है, तो जो बरही थाने में उसका शायद इलाज हो रहा है।
मैं तो इधर आ गया लेके इसको। लापरवाही कहेंगे सर ना किसी को? लापरवाही तो कैसे कह दूं कि मैं तो पॉइंट पर था ही नहीं, लेकिन ये है कि जिस तरीके से मामला तो थाने में पता पड़ेगा। मैं तो डेड बॉडी लेके सीधा डेड हाउस आया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामबाबू पटोरिया है। मेरे पास तो सुबह फोन आया है बॉम्बे से, ऐसे से एक ट्राला अपने ट्राले का पता लगा। मैं रात को ही गाड़ी गोले के मंदिर पर खड़ी छोड़ गया था। सुबह जब हम लोग पहुँचे जगह पर तो वहाँ टोटल लॉस गाड़ी, हॉर्स जो है उसका टोटल लॉस है। गाड़ी ग्वालियर से बॉम्बे, मालनपुर से बॉम्बे जा रही थी, उसमें ड्राइवर की डेथ हो गई है। क्या भरा हुआ था गाड़ी में? गाड़ी में ट्रांसफार्मर का रेडिएटर भरे हुए हैं। किस कारण एक्सीडेंट हुआ पता पड़ा? क्या मामला? अब कारण क्या बता सकते हैं, क्योंकि अपन तो जगह पर खड़े नहीं हैं कि कोई कारण बताएं। ड्राइवर के निवासी का ड्राइवर सामने वाले की नहीं मालूम है, अपने ड्राइवर का मालूम है। शैल बिहारी यादव, शैल बिहारी यादव बदायूं, बदोई यूपी, जहाँ कालीन बनते हैं वहाँ का है। मेघराज दीक्षित, ग्वालियर। मुरैना जिले में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु डाइट मुरैना में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में स्कूल शिक्षा विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। शिक्षा की गुणवत्ता सुधार हेतु शासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों के अनुक्रम में मुरैना जिला स्तर पर 20 नवंबर को एक दिवसीय सुझावात्मक कार्य योजना तैयार करने हेतु कार्यशाला में जमीनी स्तर पर वास्तविक कठिनाइयों एवं आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त की जाने की प्रक्रिया में कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें डाइट के विशेषज्ञ, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा केंद्र के अधिकारी, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, जन शिक्षक, शासकीय अशासकीय विद्यालयों के प्रतिनिधि, जिले के शिक्षाविदी व जिले के OIC द्वारा सहभागिता की गई। मंशा है कि प्रत्येक जिले में गुणवत्ता को लेके काम किया जाए। गुणवत्ता की जमीनी हकीकत क्या है? हमारे जो SSC के तहत जो कंपोनेंट संचालित हैं उनकी वस्तुस्थिति क्या है जमीन स्तर पे, उसे जानने के लिए जिला स्तर पे ये कार्यशाला हो रही है। और माननीय कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में, जिले के जो अधिकारी हैं उनके मार्गदर्शन में ये कार्यशाला आज हो रही है। लगभग इस कार्यशाला में कितने व्यक्ति मौजूद हैं और कौन कौन है? लक्ष्य तो हमारा 3800 लोगों का है, लेकिन 3800 में हम केवल 10% लोगों को इस कार्यशाला में बुला के हमने यहाँ 7 कक्षों में प्रबंधन किया हुआ है। और लगभग 12 जो विषय दिए हुए हैं उन विषयों में हमने 3-3 DRG जो डाइट पर्सन है या जो विषय विशेषज्ञ हैं उनको उसमें लगाया हुआ है। ये कितने बजे शुरू हुई थी और कितने बजे तक चलेगी? ये प्रातः 9 बजे से प्रारंभ हुई है और ये शाम को 6 बजे तक चलेगी। एक दिवसीय है। वर्किंग लंच, चाय, नाश्ता सबकी व्यवस्था प्रतिभागियों के लिए माननीय प्राचार्य महोदय के मार्गदर्शन में हो रही है। पूरा समाज बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है, बच्चे सीख रहे हैं, लेकिन हाँ ये चिंता की बात है, बच्चों में जो संस्कारहीनता के लक्षण आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। पुरानी पीढ़ी की तुलना करते हैं, हम भी आप कहते हैं पहले जमाने में ऐसा नहीं था। तारागंज क्षेत्र में ताजिया रखने को लेकर हुआ विवाद आज कोतवाली जा पहुंचा। दोनों ही पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। पुलिस अधिकारियों द्वारा दोनों को विश्वास में लेकर मामला शांत कराया गया। थोड़ा सा जगह को लेकर विवाद हो गया था, आज वो विवाद दोनों पक्षों की आम सहमति से हम लोगों ने वहाँ पर अंदर दोनों पक्षों से सहमति से निपटा दिया गया है। इमामबाड़ा इस बार वहीं रखा जाएगा और आगे भी वहीं रखा जाएगा। जगह थोड़ा सा जो बाउंड्री वॉल है
उसको पीछे करके इमामबाड़ा वहीं रखा जाएगा। दोनों जब ग्वालियर के विकास की बात है तो मुझे लगता है हर पक्ष ने अपनी सहमति दिखाकर ग्वालियर के विकास को आगे रखा और जिस तरीके से संप्रदाय जाति सबको हटाकर धर्मनिरपेक्षता का परिचय दिया है, मैं उसके लिए दोनों लोगों को सहयोग देती हूँ। और सतीश जी ने वहाँ के जो स्थानीय पार्षद है उन्होंने कहा है कि नाले की दीवार 5 फुट पीछे सरकार के इमामबाड़ा को जगह दी जाएगी, जिसके लिए हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और सभी उन तमाम साथियों का धन्यवाद देते हैं जिन्होंने शांति बनाए रखी और ग्वालियर के धर्म की बात की, सभी धर्मों को आगे रखकर एकता भाईचारे की बात की, हिंदू मुस्लिम एकता की बात की। शासन प्रशासन मीडिया को भी मैं धन्यवाद देती हूँ, हम लोग सबके सहयोग से एक बड़ा हादसा विभाग वोट हो गया था वो आपकी सहमति को सुलझा लिया गया है, उसमें ये तय हुआ है कि अभी जो कागजा रखा गया वो उसी जगह पर रखा रहेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे मुहर्रम के बाद बैठ कर उसको आम सब सहमति से उस जगह के विभाग को निपटा लिया जाएगा और उसमें अब जो भी सहमति हुई है सतीश बौरे पार्षद जी ने भी उसमें पहल की है। हम रास्ते में लगा था उसका केवल हमारा विरोध था, कोई जनहित में था वो, क्योंकि वहाँ के कुछ कार्यकर्ता या कुछ वहाँ के निवासी इस क्षेत्र के निवासी तारागंज जो अशोक स्तंभ है वहाँ से सीधा हनुमान बांध के लिए रोड जाता है, बीच रास्ते में जो ताजी उन्होंने स्थापित किए थे उसको लेकर जब वहाँ के लोग हमारे पास आए तो हमने उनको देखने के लिए वहाँ पहुँचे, हम तो वास्तव में ही बीच पूरा रास्ता बंद कर दिया था, हम रास्ता और ताजी स्थापित किया था, लेकिन हमने उनसे ये आग्रह किया जिला जिलाधीश महोदय से कि साहब ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जनहित में ठीक नहीं है, जनता हुआ सुविधा हो रही है इसलिए इसको तत्काल हटाया है, ये बाद में सब थोड़ा तनाव बना क्षेत्र में, उसके बाद आज दोपहर 1 बजे एडीएम के हरियाणा में गौ सेवा समिति ने बस स्टैंड के पास बनाई गई अस्थायी गौशाला में बीमार गायों के उपचार का प्रबंध करने के संबंध में एक ज्ञापन एडीएम AK वाजपेयी को सौंपा। क्या नाम है आपका? संजीव खेमरिया। खेमरिया जी आप ये बताएं, आज आपने कलेक्ट्रेट में एडीएम को जो ज्ञापन दिया है क्या मामला है? विषय ये है कि अपने मुरैना शहर में आवारा के रूप में जितने भी गौवंश जो विचरण कर रहे थे उनको विगत 28 अगस्त 2012 से पुराने बस स्टैंड में एकत्र किया हुआ है, उनके चारे के उनके जो घायल जो कालकल्पित घायल जो होके आए हुए एक्सीडेंटल आए हुए हैं कुछ बीमार हैं उनकी दवाइयों के लिए, और चूँकि अब सर्दी का सीजन आ गया है, सर्दी का मौसम आ गया है तो उनके समुचित प्रवास रहने की व्यवस्था हो उसके लिए जिलाधीश महोदय के लिए पत्र दिया हुआ है और मांग किया हुआ है कि उनके लिए अभी तक जिला प्रशासन के द्वारा या नगरीय प्रशासन के द्वारा कोई भी समुचित प्रबंध नहीं किया जा रहा है, मुख्य रूप से चारा दवाई और उनके रहने के लिए, तो इस लिए हमने सभी लोगों ने माननीय एडीएम महोदय को अभी ज्ञापन दिया हुआ है, उनसे अनुरोध मांग किया हुआ है कि उनके लिए त्वरित व्यवस्था की जाए। इसके लिए जो प्रतिलिपि है वो भी पहुँचाने का SDM ने प्रशासन को तो बोला ही है, साथ में हम अपनी तरफ से भी व्यक्तिगत पहुँचाएंगे अपने मध्य शासन के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गौ पालन के बारे में और गौ संवर्धन के बारे में बहुत बड़ा विषय कहने वाले ऐसे गौ संवर्धन बोर्ड के पदाधिकारियों के लिए, और हमारे विश्वंदु परिषद के जो हिंदू समाज को जनजागरण करने का काम करते हैं ऐसे पुरोधा डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया, ऐसे लोगों को भी प्रकृति और विषय के बारे में विषय की गंभीरता को चिन्हित करते हुए पहुंचाने का प्रयास है, इसलिए आज ये ज्ञापन और ये आवेदन पत्र दिया हुआ। एडीएम साहब ने क्या कहा, किस तरह का आश्वासन दिया? एडीएम साहब ने तो कोई आश्वासन नहीं, पत्र पहुँचा देंगे क्या पढ़े लिखे हैं, हमने तो कहा मैंने कि पढ़ के जरा सुना दें, उन्होंने कहा हम तो पढ़े लिखे हैं खूब पढ़ लेंगे, हमने कहा कि 3 प्रतिलिपि और पकड़ो ये 3 गाय के लिए, तो मैंने आप फिर पढ़े लिखे गाय के हो, तो आपकी बात को उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया? गंभीरता से नहीं लिया और बड़ा अच्छा बड़ा सौजन्यपूर्ण वातावरण है इस मुरैना की धरा का, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी विषय की गंभीरता को और विषय की संवेदनशीलता को बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। 15 नवंबर को घोसीपुरा क्षेत्र में मुस्लिम युवक द्वारा एक हिंदू नाबालिग कन्या का अपहरण कर लिया था, पुलिस द्वारा दी गई डेडलाइन निकलने के बाद
बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आज इंद्रगंज थाने के बाहर प्रदर्शन किया। इंद्रगंज थाना क्षेत्र के घोसीपुरा क्रैसर कॉलोनी से 6 दिन पूर्व किराना व्यापारी दिनेश अग्रवाल की बेटी का अपहरण पड़ोस में रहने वाले आदिल उर्फ पप्पू मुसलमान करके ले गया था। किराना व्यापारी की बेटी का सुराग नहीं लगा तो आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर क्षेत्रीय नागरिकों ने प्रदर्शन करते हुए डॉक्टर जी के पाठक से चर्चा की। पुलिस अधीक्षक पाठक ने नागरिकों को आश्वासन दिया है कि वह जल्द ही उनकी बेटी की तलाश करेंगे। उधर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भी इंद्रगंज थाने के बाहर युवती की तलाश में पुलिस की लापरवाही को लेकर धरना देना शुरू कर दिया है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं की मांग है कि पुलिस ने जो समय मांगा था इसके बाद भी आज तक लड़की का पता नहीं चल सका। धरना तभी खत्म किया जाएगा जब तक लड़की वापस नहीं आती। 3-4 दिन पहले एक हिंदू परिवार की बच्ची घोसीपुरा क्षेत्र से अगवा हो गई। उसका मालूम पड़ा कि कोई मुस्लिम युवक ने उसको अगवा की है। हमने उसके बारे में TI साहब को निवेदन किया, CSP साहब को निवेदन किया और उन्होंने बड़ा ही अच्छा जवाब दिया कि हम 2 दिन में बच्ची को बरामद करा देंगे। एक उचित उत्तर था, हमको भी उस बात को मानना है और माना हमने। 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए, हमने हमारे अधिकारी ने SP साहब को फोन किया, CSP साहब को फोन किया और अपने TI साहब को फोन किया, इन्होंने कोई उचित जवाब नहीं दिया है। बच्ची अभी तक बरामद नहीं हुई है। क्या है कि हम नहीं चाहते कि अभी यहाँ ताजिए बैठ रहे हैं, कहीं कोई उदम हो, शहर की शांति भंग हो। पर अगर प्रशासन चाहता है कि शांति भंग होना हमको जरूरी है तो उसके लिए हमारे पास इलाज तो नहीं है ना। अगर बच्ची भगी है तो बच्ची को बरामद किया जाए, उसके परिजनों को पकड़ के बंद किया जाए, उनको थोड़ा सा उनको टॉर्चर किया जाए, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी काम नहीं हो। पुलिस अच्छा नहीं जानती है, ये 2-3 दिन पहले की बात है। हमारा अल्टीमेटम खत्म हो चुका है, उसके भी हम एक दिन बाद आए हैं। पुलिस है ना, जिस तरीके से अभी है ना, उनको TI कौन सा किया था, नहीं एक और TI माधोगंज में हुआ था, एक दिन में वो लड़की बरामद हो गई थी। वो TI सामने उचित कार्रवाई की थी, पूरी तैयारी पूरा आने की चिंता की थी, हम उनका सम्मान करते हैं। और इन लोग इन तोमर साहब ने इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की, कार्रवाई में लात लाली भर दी है। को अपहरण करके एक आरोपी ले गया था दूसरे धर्म का, तो उस बात को लेके बजरंग दल वालों में रोष था और पुलिस ने पर्याप्त प्रयास किए हैं। ये बात से वो आज अभी बातचीत हुई तो संतुष्ट हैं और हमने उनको फिर से बोला कि हम एक सप्ताह में और इसमें ठोस कार्रवाई करेंगे। जो भी आपकी मांग है, जो भी आपने सुझाव दिए हैं, वो पूरी पुलिस अपनी ताकत लगाएगी कि हम उस अपहृत लड़की को, बच्ची को वापस ला सकें। उसमें इनको ये संदेह था कि पुलिस ने पूर्ण प्रयास नहीं किए हैं और आज जब इनको पूरे हमने प्रयास बताए हैं तो ये अभी संतुष्ट हैं और इनको एक सप्ताह का और उन्होंने बोला कि साहब एक सप्ताह और आप प्रयास कर लें, नहीं तो फिर हम इसमें आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ये 15 तारीख का मामला था। नहीं, ये कोई रास्ता अवरुद्ध नहीं हुआ है और थाने के सामने आए और इन्होंने अपनी मांग रखी, तो ये तो लोकतांत्रिक देश है, इसमें अपनी मांग ही रख सकते हैं। अमर शहीद वीरांगना झलकारी बाई जन्म महोत्सव के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन आकाशवाणी तिराहा स्थित वीरांगना झलकारी बाई के प्रतिमा स्थल पर 22 नवंबर को प्रातः 10 बजे किया जाएगा। इस संबंध में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन युवा जन शक्ति संगठन द्वारा किया गया। ग्वालियर गति युवा जन शक्ति संगठन जिला ग्वालियर द्वारा वीरांगना झलकारी बाई कोरी के 182वें जन्म महोत्सव कार्यक्रम के संयोजक राजेंद्र आर्य ने बताया कि जन्म महोत्सव पर एक शक्ति मेला का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में झलकारी बाई का फूल बंगला बनाया जाएगा तथा सुहास नगर से वाहन रैली सुबह 10 बजे प्रारंभ की जाएगी, जो वीर दुर्गादास राठौर पर माल्यार्पण करते हुए हजीरा तानसेन नगर पड़ाव स्टेशन बजरिया होते हुए झलकारी बाई पार्क आकाशवाणी मार्ग पर समाप्त होगी। वहां एक शक्ति मेले का आयोजन किया जाएगा जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें क्रिकेट, मेहंदी प्रतियोगिता एवं शतरंज, कैरम, डांस एवं समाज के विभिन्न समाज सेवी विभूतियों का प्रतिभा सम्मान किया जाएगा। झलकारी बाई 22 नवंबर को मनाया जा रहा है जन्म उत्सव। इसमें पहले सुबह रैली का है, सुबह 10 बजे से 11 बजे का रैली, बाइक रैली से वीर दुर्गादास राठौर पर ये रैली जाएगी। उनका परिनिर्वाण दिवस है वीर दुर्गादास राठौर का। उसके बाद
फिर ये रैली वहाँ से चलकर अपने आकाशवाणी चौराहे पर वीरांगना झलकारी बाई को पर आके समाप्त हो जाएगी। उसके बाद कार्यक्रम इसमें 5-6 प्रकार की प्रतियोगिताएं हुई थी, उनका सारे लोगों को सम्मानित किया जाएगा और कुछ वरिष्ठ समाज सेवी लोगों को भी सम्मानित किया जाएगा। कितने लोग सम्मानित होंगे उसमें? करीब 2000 लोगों की स्ट्रेंथ रहेगी उसमें, पूरे अपने जिले भर के लोग हैं, पूरे ग्वालियर जिले के लोग। मुख्य समाचार एक बार फिर, कैलाशवासी माधवराव सिंधिया की प्रतिमा का हुआ अनावरण, जन सुनवाई बनी मजाक, मुरैना PWD कार्यालय में अधिकारी ही नहीं रहे थे मौजूद, हिंदू लड़की के अपहरण को लेकर बजरंग दल ने इंद्रप्रस्थ थाना के बाहर किया प्रदर्शन, और शिक्षा की गुणवत्ता की सुधार के लिए मुरैना में हुई एक दिवसीय कार्यशाला। ये शहर से जुड़ी कुछ खास खबरें, अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ताजातरीन खबरों के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।